8 का यूनिट 2 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 14 नेम है रिसोर्सेज या संसाधन। इसकी फर्स्ट पार्ट में हमने नेचुरल रिसोर्सेज और उसके कुछ टाइप जैसे कि बायोटिक, अबायोटिक, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, एक्चुअल एंड पोटेंशियल, इन सब रिसोर्सेज के बारे में पढ़ लिया है। अब सेकंड पार्ट है हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन। तो ह्यूमन रिसोर्सेज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ एनी कंट्री। जो मानव संसाधन है वह किसी भी देश का बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। दैट इज़ द एजुकेटेड एंड स्किल्ड पीपल इंश्योर अ रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। जो कि एक शिक्षित और स्किल्ड पीपल हैं जो कि किसी भी देश की डेवलपमेंट के लिए आवश्यक हैं। If they are not educated and lack skills, the country will be less productive and lag in development. अगर जो मानव हैं वह शिक्षित नहीं होंगे और उनमें स्किल की कमी होगी तो जो कंट्री होगी वह लेस प्रोडक्टिव होगी और उसमें डेवलपमेंट भी उतना नहीं होगा। It is the human who add value to the raw resources and convert them into useful resources. वह मानव ही है जो कच्चे संसाधन होते हैं उन्हें वैल्यूएबल बनाता है और कन्वर्ट करता है उन्हें यूजफुल रिसोर्सेस में। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, थर्ड है हमारा मानव निर्मित संसाधन। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच हैव बीन क्रिएटेड बाई ह्यूमंस यूजिंग देयर नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज। जो मानव निर्मित संसाधन हैं वह वे संसाधन हैं जिन्हें क्रिएट किया हुआ है, जिन्हें क्रिएट किया गया है मानव के द्वारा, कैसे, उनकी नॉलेज के आधार पर और उनके एक्सपीरियंस के आधार पर। बिल्डिंग, मशीनरी, रेलवेज, रोड एक्सेट्रा आर एग्जांपल ऑफ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। भवन, मशीनरी, रेलवेज हो गया, सड़क हो गई, ये सारे एग्जांपल हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को कंजर्व करना या उन्हें संरक्षित करना, संसाधनों को संरक्षित करना। विद द इंक्रीज इन ग्लोबल पॉपुलेशन, जो ग्लोबल वैश्विक जनसंख्या के बढ़ जाने के कारण देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज डिमांड फॉर रिसोर्सेज। यहाँ पे किसकी डिमांड बढ़ गई है, संसाधनों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अलॉन्ग विद केस ऑफ ओवर एक्सप्लोटेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन, संसाधनों के दोहन और उनके अत्यधिक उपयोग के लिए। रिसोर्सेज आर बीइंग डिप्लीटेड एट एनी अलार्मिंग रेट, और एक बहुत बड़ी दर में जो रिसोर्सेज हैं वह घटते जा रहे हैं। थस रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड ज्यूडिशियली सो दे, ज्यूडिशियली का मतलब होता है, सोली का मतलब होता है समझदारी। हमें रिसोर्सेज का यूज समझदारी से करना चाहिए, सो दैट दे कैन बी कंजर्व, जिससे वो जिन्हें जिससे हम उन्हें कंजर्व रखें या संरक्षित रख सकें। द आइडिया और ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो सतत विकास का आइडिया है, शुड ऑल्सो बी स्टेट्स अपॉन एज इट एम्फसाइजेस केयरफुल यूज ऑफ रिसोर्सेज विदाउट वेस्टेज, बिना वेस्ट किए हुए हमें उनका अच्छे से यूज़ करना चाहिए। सो दैट द फ्यूचर जनरेशन विल हैव रिसोर्सेज टू यूज़ फॉर देमसेल्फ, जिससे जो हमारी आने वाली जनरेशन है या आने वाली जो पीढ़ी है वह भी इन संसाधनों का यूज़ कर सके या उनका उपयोग कर सके। देयर शुड बी स्टेप टू कर्व डिफॉरेस्टेशन, ओवर मिनिंग, ओवर फिशिंग एक्सेट्रा, विच आर मेजर रीजन फॉर एनवायरमेंटल डैमेज। हमें कदम उठाने चाहिए किसके लिए, वनों की कटाई को कम करने के लिए, खनन को कम करने के लिए और अत्यधिक मछली पालन के लिए। इन सब चीज़ों में ऐसे ही चीज़ों में हमें स्टेप उठाने चाहिए कि इनको हम कम करें। विच आर मेजर रीज़न फॉर एनवायरमेंटल डैमेज, क्योंकि ये सभी किसके कारण हैं, पर्यावरण को डैमेज करने के या क्षति पहुँचाने के महत्वपूर्ण कारण हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ 3 RS, जो 3 R का जो कॉन्सेप्ट है वह है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। रिड्यूस करना, कम यूज़ करें, रीयूज
दोबारा यूज़ करें और रिसाइकिल उसको रिसाइकिल करके यूज़ करें। शुड बी प्रैक्टिस सो एज टू सेव रिसोर्सेज। इन 3 R का यूज़ करके हम सेव कर सकते हैं अपने रिसोर्सेस या संसाधनों को हम बचा सकते हैं एंड इंश्योर दैट दे आर अवेलेबल इवन इन फ्यूचर। और इस बात से खुद इंश्योर हो सकते हैं कि वह फ्यूचर में भी अवेलेबल रहेंगे दूसरों के लिए और दूसरे भी उसे मतलब हमारी जो फ्यूचर जनरेशन होगी आने वाली पीढ़ी होगी वह भी इन संसाधनों का यूज़ कर सकेगी। जो हमारा चैप्टर था ज्योग्राफी का रिसोर्सेज संसाधन वो हमारा इधर फिनिश हो गया है। इसकी एक्सरसाइज PDF आपको मिल जाएगी। थैंक यू।